अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, राना बर्ड्स रावलपिंडी में खुश आमदीद कहते हैं आपको। फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि जी जो मेरे कॉकटेल जिन्होंने ब्रीड की है, ठीक है, उनकी प्रोग्रेस। तो माशाल्लाह ये जो बच्चे हैं इनके, ये देखिए ये चार बच्चे हैं इनके, और ये माशाल्लाह से आज तकरीबन डेढ़ हफ्ते के हो गए हैं। और डेढ़ हफ्ते के बाद ये देखिए इनके सर के ऊपर क्रस्ट भी आना शुरू हो गया, ये जो इनके वो जो ताज होता है वो भी आना शुरू हो गया, लेकिन अभी तक इनकी आंखें नहीं खुली, सिर्फ एक की आंख खुली अभी तक, ठीक है। और माशाल्लाह देखिए पेयर कितना अच्छा जो है इनको फीड वगैरह करवा रहे हैं। इसमें हम ऐसा करते हैं थोड़ा सा बूरा डाल देते हैं इसमें, क्योंकि देखिए अंदर ज़रा थोड़ी सी गंदगी हो गई है, तो बूरा वगैरह डाल के इनको रखते हैं। तो इंशाल्लाह ये जो है बेहतरीन प्रोग्रेस है इनकी, ठीक है। ये ब्रीडिंग सीज़न का भी स्टार्ट है, कुछ लोगों ने अभी पेयरिंग की है सिर्फ, और माशाल्लाह मेरे पेयर्स जो हैं वो माशाल्लाह ब्रीड पे आ गए हैं और ब्रीड शुरू कर दी, और रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपका भी जो ब्रीडिंग सीज़न है वो अच्छा जा रहा होगा और आपके भी बर्ड्स ब्रीड कर रहे होंगे और हेल्दी और वेल्दी होंगे। देखिए ब्रीडिंग टिप्स कुछ नहीं होती, सब लोग जो हैं वो अच्छा खाना और अच्छा दाना दिया करें तो जो बर्ड्स हैं वो अच्छा ब्रीड करते हैं, अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। देखिए मैं इनको जो है एग फूड डेली देता हूँ, उपले हुए चावल डेली देता हूँ, ठीक है। ये सूरजमुखी के बीज हैं, ठीक है, ये मैं देता हूँ इनको लाजमी, ठीक है। उसके बाद वो पेड़ को जो है वो छली खा रहा है, ठीक है, तो वो छली खा रहा है, वो उनको छली मैंने दी हुई है। और ये चिक्स, और ये चिक्स को जो है कॉकटेल में ज़्यादातर जो चिक्स को जो है पेयर्स जो हैं वो सॉफ्ट फूड पर ही पालते हैं, ठीक है। ये देखेंगे आप कि इनके पेट में दाना नहीं होगा, ठीक है, ये देखिए दाना नहीं होगा, सिर्फ सॉफ्ट फूड होगा, सॉफ्ट फूड से जो है ना ये पलते हैं। तो आप भी कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको सॉफ्ट फूड दिया करें। उम्मीद करता हूँ कॉकटेल के हवाले से आपको जो है वो प्रोग्रेस भी नज़र आ गई होगी और इन्फॉर्मेशन भी मिल गई होगी। तो दुआओं में याद रखिए, अगली मुलाकात इंशाल्लाह जल्द होगी। अल्लाह।